वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। एहतसाब अदालत के हवाले से तो हम वक्तन फवक्तन आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन चूंकि हम जरा गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट का 100 दिन का जो प्लान है उस पर काफ़ी अर्से से हम बातें सुनते आ रहे थे। और जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनी उन्होंने कहा जब हमने 100 दिन का एक प्लान दे दिया उस पर ये चीज़ें होंगी। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या सिर्फ बातें रहीं, क्या इम्प्लीमेंट हुआ, ये सब हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगी फायजा मलिक जो PPP से हैं और MPA भी हैं, और इसके साथ साथ डॉक्टर जुवेरिया होंगी जो एक्स इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं लाहौर डिस्ट्रिक्ट वेमेन विंग की। दोनों को वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले तो मैम फायजा मलिक आपकी जानब आएंगे, हम 100 दिन के प्लान के हवाले से बात करते हैं। जो गवर्नमेंट बनी तहरीक इंसाफ की और उन्होंने 100 दिन का एक प्लान दिया, क्या लगता है कि वो प्लान क्या था और किस हद तक उस पर काम हुआ? थैंक यू। मैं समझती हूँ कि ये जो इस तरह के नारे हैं वो नहीं लगाने चाहिए। अब थोड़ा सा जो PTI की गवर्नमेंट है उसको ये स्टांस जो है अपना मेच्योर करना पड़ेगा। अब वो अपोजिशन में नहीं है और हुकूमत पे हैं, और हुकूमत भी जिस तरह से मिली जाहिर है आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, और इसको मतलब मैं बड़ा न्यूट्रल वे में कहूँगी, तनकीद अपनी जगह, नाइली अपनी जगह, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये जो नारे हैं कि जी हम 100 दिन में ये कर देंगे वो कर देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। चीज़ें इतनी ख़राब हैं, हमारा सिस्टम इतना ख़राब है। आपने देखा है ये तीसरी जमहूरी हुकूमत आई है, और सिस्टम को ट्रैक पे लाने की जो एफर्ट है वो पहले भी 2 हुकूमतों ने की, या हमारी कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब बनी थी तो बिल्कुल भी हमारे अदारे जो थे वो जमहूरियत के लिए तैयार नहीं थे, और ना ही वो चाहते थे। सीधी जो बात है कि इस मुल्क में जमहूरियत आए और हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं वो आके हमें ओबे कराएं, तो वो एक सिस्टम को न्यूट्रल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एक टाइम लगता है। और हमारी भी ये ख्वाहिश है कि ये हुकूमत आई है ये अपना टाइम पूरा करे, लेकिन खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारे। इस चीज़ के लिए इनको मैच्योर होना पड़ेगा। ये कह देना कि हम ये कर देंगे, हम तबाही मचा देंगे, हम फलां को बाहर फेंक देंगे, मतलब बातें बहुत ज्यादा थी। देखिए बातें पहले थी, अब आप प्रैक्टिकल उसमें आ गए, फील्ड में आपने आके सारी चीजें आपके सामने, अब हर हुकूमत का सिस्टम जो है वो आपके आगे पड़ा है, तो अब कम अज कम आपको मैच्योर बिहेव करना चाहिए। एक आवाज दे दी, अब मैं ये करने जा रहा हूँ, उसके बाद 3 दिन या 2 दिन या 24 घंटे के बाद आप उस चीज से वापस हो जाते हैं, बैकआउट कर जाते हैं, तो इसे कहते हैं यूटर्न, फिर मतलब वो मजाक बन जाता है। तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम चाहते हैं कि ये हुकूमत आई है जैसे भी आई है, जिसकी वजह से आई है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि अब आ गए हैं तो किसी और को मौका ना दें, डिलीवर करें। अवाम ने जो तवक्कोआत इनसे रखी हैं इनको जरूर उन तवक्कोआत पे कुछ 50% तो कोशिश करें कि ये पूरी हो जाए। अच्छा डॉक्टर जुवेरिया आपकी जानिब आएंगे, हमने 100 दिन का प्लान, चूंकि हम देखते हैं कि बहुत तरीके इंसाफ की जैसे गवर्नमेंट बनी इससे पहले बहुत सारे दावे किए गए, जलसे हुए, कैंपेन्स हुए, इसमें बड़ी बड़ी बातें भी की गई, तो 100 दिन का एक प्लान दे दिया गया कि जनाब 100 दिन में ये होगा, लेकिन वो 100 दिन के प्लान में क्या चीज़ें पूरी हुई, क्या नहीं हुई, क्या लाया अमल आगे के लिए बनाया गया? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया फिर से, थैंक यू। और मेरी पीपल्स पार्टी के साथी भी मौजूद हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, और इनकी बहुत ज़्यादा, इन्होंने एक बात में चलें, एक बात का तो ये समझती हैं कि जब हमारे हाथ में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आई तो मुल्क के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे। लेकिन दूसरी बात यह है कि जहाँ तक 100 डेज एक प्लान दिया गया था, एक ये 20 मई की बात है 2018 की, जिस पर खान साहब ने एक थीम दी थी और उसके 6 बेसिक पॉइंट्स थे और उसके हर एक के कुछ सब पॉइंट्स थे। अब ये है कि वो अगर मैं उस पर डिटेल पे जाऊंगी तो एक बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू होती जाएगी, लेकिन उसके मैं फिर भी कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर देती हूँ। लेकिन इस वक्त जो वो बात ये जिक्र कर रही हैं कि जैसे उस एजेंडे पे काम, देखें एक 30 साल की जो है बेरब्तगियाँ या करप्शन या एक सिस्टम से डीरेल हुआ वह उसको वापस लाने में वक्त मिलेगा। उस वक्त कौम को एक सेट पॉइंट्स दिए गए थे कि पाकिस्तान इन बेसिक 6 पॉइंट्स और उस पर कमल करेगा तो हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकते हैं। अब उसमें इस तरह से है कि उसके अगर आप उसकी पूरी तफसीलात में जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें एक कोई ऐसा सेक्टर मुल्क का नहीं है, हेल्थ से लेकर आम आदमी, सोशल वेलफेयर,
ग्रीन पाकिस्तान यानी किसी भी चीज़ से, इकोनॉमी, हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसके बाद जो हम लेकर आ रहे हैं, इसके अलावा टेररिज्म, इसके अलावा हमारे मुल्क की जो सलामती, लास्ट पॉइंट उसका कौमी सलामती से शुरू होता है और पहले पॉइंट से शुरू होता है उसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स लेके, पुलिस रिफॉर्म्स, सोशल सर्विस रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल है। यहाँ तक कि जो पॉइंट वन का एजेंडा है उसके सब पॉइंट्स में आप जाके देखेंगी तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि हम जो हैं अपने ग्रास रूट लेवल का जो वर्कर है उसको एम्पावर करने जा रहे हैं। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिस वक्त वो नई भी थे और इलेक्शन कैंपेन में जा रहे थे उस वक्त भी वो अपने पार्टी वर्कर की बात कर रहे थे। आप उसमें जाके देखेंगे उसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें ग्रीन सुनामी, ट्री सुनामी, उसका ये हमारे से पहले से था, ये पिछली गवर्नमेंट जो केपी की थी उसने डिलीवर किया था। उसके बाद हमने एक और शुरू किया कि जितने भी जो कैपिटल्स हैं सूबों के उनमें ये किया जाए और ये लाहौर में बड़ा सक्सेसफुल हुआ। मैं नहीं समझती, बल्कि एक आप कहीं पे भी सोशल मीडिया पे भी उठा के देखें कि वो ये नहीं कहीं कह रहा कि इन 100 डेज प्लान को डिलीवर करने में खान साहब कहीं नाकाम हुए, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, एक ट्रैक दे दिया गया है, अब उस ट्रैक पे हम कितनी देर में चलते हैं। आपकी बात बिल्कुल हम एग्री कर रहे हैं कि चले 100 डेज प्लान दिया गया, पिछली गवर्नमेंट्स में बहुत सारे फ्लॉज रहे, 30 साल की जो एक मामला चल रहा है उनमें करने के, लेकिन एट द एंड आपको कुछ हमने ये भी देखा कि जो पिछली दो गवर्नमेंट्स थी वो मंजे हुए खिलाड़ी थे, ठीक है, खिलाड़ी मुकम्मल कर लूं क्योंकि उन लोगों के पास, जैसे आप अगर हम मुस्लिम नून की बात करें तो वो उनका एक टेन्योर लंबा रहा, तरीकन साहब के पास नई नई गवर्नमेंट आई, स्ट्रैटेजी, जितने भी आप हम तबसरे भी पढ़ते हैं, न्यूज पेपर्स भी देखते हैं, सब यही कहते हैं कि स्ट्रैटेजी लैक करती है अगर हम उस चीज को इम्प्लीमेंट की तरह लेते हैं। आपकी बात के दो हिस्से हैं, बिल्कुल, एक बात यह है कि उनकी हुकूमत पिछले 30 साल से बिल्कुल सेंटर में भी थी ऊपर, बिल्कुल, एक तो वो दोनों भाई भाई थे, हाँ। ये पहली चीज है जो जमहूरियत के अगेंस्ट, ठीक हो गया। ऊपर से आपकी एज अभी इतनी नहीं है, आप देखो 30 ईयर्स का टाइम है, 30 ईयर्स टाइम में एक यूथ, एक बच्चा जो है वो 5 साल से 25 साल का हो रहा है, वो तो ये समझ रहा है कि ये बड़े परफेक्ट हैं, ये स्ट्रैटेजी है, मुल्क चला रहे हैं, हाँ। देखें, लेकिन बात है कि जो उससे पुराने लोग हैं वो ये जानते हैं कि पहले मुल्क के हालात क्या थे और अब क्या है। अब उन्होंने मुल्क को जब देकर गए हैं तो वो सबसे पहले बहुत ज्यादा एक पाकिस्तान को मकरूज मुल्क, हम एक एक बच्चे को मकरूज करके गए, और यहाँ पे टेररिज्म, आपने हमारी सरहदें देखी हैं वो क्या करके गए थे, हमारी फॉरेन पॉलिसी कितनी कमजोर हो चुकी है, हम एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क होने के बावजूद भी इस्लाम को भी नहीं कर पा रहे। तो आप मुझे एक बात बताएं कि जो ये कहते हैं कि उनके पास एक परफेक्ट टीम थी, भाई आपने तो वो टीम देखी ही नहीं है, वो टीम कितनों ने नहीं देखी है, 30 साल में जो 50 साल का है वो तो जानता है कि टीम में क्या फ्लॉज हैं, लेकिन जो एक यूथ यंग हो रही है या जो जितने आप लोग बड़े हो आप तो नहीं जानते कि ये टीम वर्क किस लिए था, दो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, दो लोगों की जमहूरियत को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके सारे जाति और माली फायदे के लिए, तो एक करप्शन का सिस्टम को प्रोटेक्ट किया गया था, मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क को चलाने की बात की गई थी, ठीक है, वरना अगर उन पर इतना एतमाद किया जाता तो आज मुल्क का ये हालात ना होता, ठीक हो गया। अच्छा फैजा, आपकी जानिब आएंगे, जवेलिया बात कर रही है कि अभी क्योंकि हम पिछले जो टेन्योर तमाम गवर्नमेंट्स का देखा जाए, लेकिन चूंकि वही स्ट्रैटेजी वाली बात मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, हमने जितनी भी पब्लिक ओपिनियन तबसरे सारी चीजें, कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें जिनमें स्ट्रैटेजीज लैक कर रही हैं, जिस तरह हमने महंगाई की बात की, एकदम से महंगाई का बर्डन डाला गया, ये भी कहा जाने लगा कि जनाब कोई स्ट्रैटेजी के थ्रू ये सारी चीजें जो है बेहतर की जा सकती थी। देखो, सबसे पहली बात जो सामने आ रही है, आपने महंगाई की बात की, बिल्कुल महंगाई की गई क्योंकि आपने IMF के पास जाना है, जो भी हुकूमत IMF के पास जाती है वो टैक्सेस की रेशियो जो है वो बढ़ाती है, क्योंकि उनकी पहली डिमांड ये है कि अगर आप हमारी तरफ आने लगे हैं तो पहले आप अपने मुल्क में टैक्सेस को इंक्रीज करें, बिलों में इजाफा करें, चीज़ें महंगी करें, खाने पीने की चीज़ें महंगी करें, तो फिर आपको हम आपके बारे में सोचेंगे। तो मेरा ख्याल है पहला कदम तो इन्होंने ये उठा लिया, पहले ये कहते रहे कि हम नहीं जाएंगे, हम लात मारेंगे, ये करेंगे, उसके बाद फिर ये चले गए। बात ये है कि आप वो बात करें ही ना, एक्सपीरियंस की इसमें कोई बात नहीं है। पहली बात यह है कि अपनी सोच को तब्दील करना पड़ेगा। इमरान खान साहब की जो 26 जुलाई की तकरीर थी वो एक बड़ी ही अच्छी और सुलझी हुई मैच्योर सोच की तकरीर थी, लेकिन उसके बाद से लेके अब तक, वोट लेने के बाद से लेके अब तक, जब भी उन्होंने स्पीच की है उनकी स्पीच के अंदर कंटेनर नजर आता है, इसमें कोई शक नहीं। अपोजिशन अपोजिशन लीडर वो बात करते हैं। अभी जवेरिया कह रही थी कि मतलब मुझे हैरत हो रही है कि वो अपने पार्टी वर्कर के बारे में नहीं सोचना, उन्हें इस मुल्क के 20 करोड़ आवाम के बारे में सोचना है। वो मेरे भी उतने ही वजीर आजम हैं जितने के इनके हैं, तो मेरा ख्याल है कि उन्हें तो इस आवाम का सोचना है ना, उन्हें सिर्फ PTI के वर्कर्स के बारे में नहीं सोचना,
कि वो उनको कैसे खुश करेंगे या उनको कैसे फैसिलिटेट करेंगे। उन्हें इस मुल्क के 20 करोड़ आवाम जिसमें यूथ भी है, बूढ़े भी हैं, जब लेकिन अभी अभी जैसे फैज साहब इन्होंने भी बात की कि यूथ अभी इतनी ज्यादा, लेकिन मेरे ख्याल से आजकल की पब्लिक ज्यादा अवेयर है, लोगों को अपने राइट्स बिल्कुल अवेयर है। हाँ। लोग देख रहे हैं, हम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, और मैं उन लोगों में से हूँ, उन नाकदीन में से, कि मैं अपनी पार्टी की गलतियां जो हैं उन पे भी मैं तनकीद करती हूँ। बिल्कुल हमें सेल्फ एनालिसिस जो है वो पहले करना चाहिए, और इसी तरह मैं कहती हूँ कि पीटीआई की गवर्नमेंट को टाइम मिलना चाहिए, लेकिन टाइम मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने रवैये और सख्त करते जाएं। आपको मुल्क चलाना, आप देखें सबसे जो बड़ी मिसाल है, एज अ पाकिस्तानी मैं किसी पार्टी से ताल्लुक ना रखूं, मैं पाकिस्तानी हूं सबसे पहले, मैं मुसलमान हूं, मैं पाकिस्तानी हूं। मैं कभी भी ये चीज़ पसंद नहीं करती कि मेरा लीडर या मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो बाहर जाए और पूरी दुनिया के सामने मेरे मुल्क के लोगों को जलील करे। ये आपके पास इस तरह की राय और आई होगी, मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात ना आई हो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो जब रिप्रेजेंट कर रहा है किसी और मुल्क में जाके, तो वो पूरे पाकिस्तानी नेशन को कर रहा है। उसमें सिर्फ वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो पाकिस्तानी नेशन को कर रहा है, और एज अ प्राइम मिनिस्टर बाहर जाके स्पीच कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी फोरम ही हो। वहाँ पे जब आप अपने मुल्क के लोगों को और अपने मुल्क को डिग्रेड करते हैं, तो हमारा इमेज क्या रह गया? हमारा इमेज तो मुल्क के अंदर भी आपने तबाह किया हुआ है। आप रोज टीवी पे आके कहते हैं जी ये मुल्क के लोग फलां गंदा फलां यूं, भाई इन्हीं गंदे लोगों के साथ आप सेनेट में हाथ में लाके तरमीम करके तो आप वहां पे चेयरमैन ले आए, फिर वो गंदे हो गए। मतलब जब आपका दिल करता आप गंदा कर लेते हैं, जब आपका दिल करता आप हाथ में ला लेते हैं। लेकिन मैं तवक्को करती हूँ कि शायद और 4-5 महीने लग जाए, लेकिन इमरान खान साहब को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सोच बदलनी, जब तक कौमी यकजहती के ऊपर काम नहीं करेंगे। देखें नैब के केसेस अपनी जगह, मैं नहीं कहती कि शहबाज शरीफ को स्पेयर करें या किसी ऐसे बंदे को, चाहे मेरी पार्टी है, अगर हमने करप्शन किया, हमारे लोगों ने करप्शन किया है, सामने ले आए। नैब के केसेस पहले के बने हुए हैं, एहतसाब होना चाहिए, लेकिन फिर एहतसाब आपकी पार्टी के लोगों का भी होना चाहिए। बेनामी जायदादें, बेनामी ये भी इतराज किया जाता है कि जनाब एहतसाब, अगर अब कहते हैं कि ये लोग एहतसाब इनका भी किया जाए, तो जब ये लोग गवर्नमेंट में थे तब क्यों नहीं एहतसाब किया गया इनका, जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, और नून लीग की जब गवर्नमेंट थी तब इनका एहतसाब। मैं पहले पिछली एक बात भी थोड़ी सी करेक्ट करना चाह रही हूँ, मैंने पॉलिटिकल वर्कर की बात इसलिए की थी कि वहाँ पे पहले से, हमारे से पहले जितनी भी हुकूमतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले आई, उसमें पॉलिटिकल वर्कर को कहीं पर जगह नहीं दी गई थी। जितनी भी जगह थी वो दो भाइयों ने आपस में और अपने खानदान में मिलकर बांटी थी। इसी तरह जब हमारी पीपल्स पार्टी है उसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, अगर प्रेसिडेंट वालिद साहब हैं तो बिलावल साहब भी एक बहुत आम मुकाम रखते हैं, और इसी तरह बाकी खानदान के अफराद, उनकी बहन भी उसी तरह उस पार्टी में जो है इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए मैं ये एक चीज़ का फ़र्क वाजे कर रही थी। अब जहाँ तक आपकी बात का सवाल का ताल्लुक है, वो ये है कि पाकिस्तान जैसे, अगर ये नैब पहले भी एक इदारा थी, नैब पहले भी बहुत सारे केसेस को लेकर चल रही थी, कुछ कमजोरियां उनके अंदर भी हैं, और वो भी कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा इतना शायद नहीं कर पा रहे, उनकी अपनी मजबूरियाँ होंगी। लेकिन बात यह है कि जब यही अफराद 30 साल से इनके साथ भी थे और वो इनको देख भी रहे थे, उन पर केसेस खोलते, दिल खोल कर खोलते, उनको सजाएं देते, पता चलता, लेकिन उन्होंने ऐसे क्यों नहीं किया? ऐसी क्या वजह है? अगर उनके पास एक छोटी सी वजह आज जैसे कि खान साहब ने सिर्फ बाहर जाकर ये कह दिया कि ये लोग करप्ट हैं, और इनको बुरे को बुरा कहना, करप्ट को करप्ट कहना, भाई बाहर के मुल्कों में तो करप्शन की सजा, चाइना में सजाए मौत है, मलेशिया में आप करप्शन करके देखें, क्या हम अपने करप्ट अफराद को सिर्फ बता रहे हैं कि हमारे मुल्क की ये हालत जो है वो कुछ सबकी वजह से नहीं, हम बाज़ियत कौम तो बहुत अच्छे हैं, हमारे मुल्क के कुछ करप्ट अफराद ने हमारे मुल्क को इस हालत तक पहुंचा दिया गया। इसलिए मेरी बात, खान साहब की बात को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बात को मुकम्मल सियाको सवाद के साथ देखना चाहिए। और अगर अब जो हमारे लोगों पे एतराज़ात हो रहे हैं, उनके पास हुकूमत थी, उनके पास वक्त था, वसाइल थी, पुलिस उनकी, नैब उनकी, गवर्नमेंट उनकी, सब कुछ उनका था, वो उस वक्त उनको कटहरे में ले आते, उनको सजा दिलवा देते, अगर उनके हाथ में होता है, मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर वक्त के साथ होगा तो खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होगी, अगर उसका कोई उसकी जद में आता है तो इसमें फिर जो कानून की बालादस्ती होगी। लेकिन कहने और करने में फर्क है ना, अभी देखिए कहने हो गया कि अभी 100 डेज कंप्लीट होने जा रहे हैं और उसमें चीजें ट्रैक पे आ चुकी हैं, पेश कर दें
जिन लोगों के ऊपर केसेस हैं अब इमरान खान साहब वो उसमें पेश हो रहे हैं, नैब में सामने आया है, उनको जिनके नाम आ रहे हैं नैब उनको नोटिस करती है, वो वक्त पे जाते हैं और पेश होते हैं, वो सिर्फ चाय पी कर नहीं आ जाते, वो दो चार तस्वीरें नहीं डाल दी जाती कि तस्वीरें डाल के हमदर्दी नहीं ले जाती कि देखो बेचारा कैसे बैठा है, कि जो जितने भी इस वक्त ओहदेदार या वो सब जा रहे हैं, जिसको नोटिस आता है वो जाता है, तलब नहीं कर रहे, नहीं ऐसी बात नहीं, सबको जो नोटिस जाते हैं, हमारा कहना ये है सबको तलब हो रहे, आप करेक्ट कर ले, अगर आप कर रहे हैं, आप कहते हैं कि मैंने ये केसेस नहीं बनाए, बिल्कुल मैं मानती हूँ उन्होंने ये केसेस नहीं बनाए, ये केसेस पहले से बनने पहले से बन रहे, लेकिन जब आप उसके ऊपर कड़ा अमल दरामद करा रहे हैं और नैब को प्रेशराइज करके करा रहे हैं, और ये भी हमारे सामने है, कभी एक मिनिस्टर जाता है नैब के चेयरमैन को मिलने, कभी खुद वजीर आजम साहब तड़ियां लगा रहे होते हैं, तो मतलब इसमें प्रेशर आप अपने लोगों को खुद कहें कि आप पेश हो, पहले सबसे पहले मेरे लोगों के केस खोलो, बाद में दूसरों के खोलो, उसके ऊपर नैब हो जाएगी, लेकिन नैब की एक मुकम्मल इदारा है और वो इदारों की एक अपने किरदार पे यकीन रखते हैं, अगर उनका बस चलता, उन्होंने खुद कहा था मेरा बस चलता तो मैं 90 लोगों को, मुझे पता है कि कौन कौन से लोग हैं और मैं उनको भेजा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपने वो अख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए, जैसे पुरानी हुकूमतें अपने मुखालफीन को दबाने के लिए नोटिसेस करा के और तंग करती थी, छोटे से लेवल से लेके बड़े लेवल तक तंग करके इतना तंग किया जाता था कि पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हो गए, मैं आपसे इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर की बात करें जो पाकिस्तान छोड़ने पे भी चले जाते थे, मजबूर होके छोड़ दिया जाता था, और जो उनके जो मॉडल टाउन के लोगों में इन्वॉल्व थे उनको किस तरह उनको प्रोटेक्ट किया गया था, इसलिए ये बात नहीं है कि खान साहब ऐसे नहीं कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पूरी चीज को समझते हैं, अगर वे समझते नैब को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते, नैब जिस तरह काम कर रही है वो हाँ ये जरूर ताकीद करते हैं कि ईमानदारी से काम करें, वहां पे ईमानदार ऑफिसर्स होने चाहिए और कानून के मुताबिक उसी स्पीड के साथ काम होना चाहिए, ये नहीं कि अपनों वालों को 10 साल दे दिए, 11 साल दिए, 11 साल के बाद उसने आके कहा कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दोबारा बन गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, जो तमाम तर मामलात हैं 100 डेज प्लान है, अब चूंकि आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इस पे अब चूंकि पब्लिक वही बात के अवेयर है इतनी, क्योंकि जितने सब्ज बाग दिखाए गए थे, जितना सब कुछ बताया गया था ये होगा वो होगा, आप किस हद तक इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि अभी जो पब्लिक है वो सिर्फ महंगाई से ही परेशान है। देखो 100 डेज प्लान की मुझे तुक समझ नहीं आती, आप 5 साल के लिए आए हैं, आप 100 डेज के लिए या 200 डेज के लिए नहीं आए, जब आप 5 साल के लिए आए हैं तो फिर आप 100 डेज प्लान देख के किसको लॉलीपॉप दे रहे हैं, असल बात ये मैं है, बहुत अपने साथी को एक बहुत आसान जुबान, इससे ज्यादा मैं आपको एक सिंपल, मेरे एजुकेशन से भी ताल्लुक रहा है, इससे सिंपल एग्जांपल मैं आपको नहीं दे सकती, एक साल के लिए अगर बच्चा फर्स्ट से सेकंड क्लास में प्रमोट होता है तो उसको सबसे पहले सिलेबस दे दिया जाता है, या 3 मंथ उर्दू में सहमाई का, नहीं तो उसका एक सेमेस्टर का सिलेबस दिया जाता है, तो ये सिलेबस है, सिलेबस है जिसपे जो हमने लोगों को नहीं दिया, हमने अपने आप को दिया है कि हमने इसके ऊपर हमने काम करना है, और जिसके असरात नजर आना भी शुरू हो गए और आएंगे, उसमें तो फेल हो गए ना, नहीं कैसे फेल हो गए, 90 अभी तो आपने सिलेबस तो हुआ ही नहीं है, अभी आप एक अवाम नहीं, मैं आपको बात नहीं तो बता रही हूँ कि वो आपने हमने एक 5 साल के लिए अपने लिए दिया है, उसके बाद हमने टारगेट्स वो हमारे लिए, एक थीम हमारे लिए, और उसमें आप सब चीजों पे देखो कि उसमें कोई ऐसी चीज नहीं जिसपे इनिशियली काम ना शुरू कर, पहली हुकूमतों में आप देख लो सिर्फ 2 चीजों पे काम होता था, मैं पंजाब की सिर्फ बात कर लेती हूँ, पंजाब की बात किसमें हम सिर्फ एक पुल बनते थे और एक लोग जरा सी गलती पर यूं करके उनको डिसमिस कर दिया जाता था ट्रांसफर, मैं आपको पीपल्स पार्टी की हुकूमत मैं आपको बता रही हूँ, मैं पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी की बात मैं आपको पीपल्स पार्टी की बात बताने जा रही हूँ, ये पीपल्स 100 डेज अभी मुकम्मल नहीं हुए थे, बेनजीर भुट्टो साहिबा की बहुत मन को बड़ा लीडर मानती हूँ, उनकी शहादत हो चुकी थी, विद इन 100 डेज उनके उस सारे हादसे का एक ऐनी शाही जो उनका ड्राइवर था उसका कत्ल वहीं पर कराची में हो गया था, आप मुझे बताएं कि उसका आज तक नहीं हो पाया, आपके पास तो बहुत टाइम था, किसी ने भी नहीं किया, हमारे जमाने में ऐसा कोई नहीं, हम बल्कि आके क्या बिलावल को सपोर्ट नहीं किया, खान साहब ने उनसे खुद हाथ में लाया, क्या वो यूथ को इज्जत तो दे रहे हैं, उनको कितना टाइम दिया गया सही होगा, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी तरह से किसी को भी जो है वो पीछे किसी पे हाथ पे कोई सियासी इन्फ्लुएंस नहीं है, फायजा क्या कहेंगी इस पे, सियासी इन्फ्लुएंस पे आप बात करिए ना कि जो इदारों पे प्रेशर है तहरीक इंसाफ की, गवर्नमेंट प्रेशर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारे सामने चीजें हैं, अगर आप इतने ही ज्यादा दूध के धुले हुए हैं और नेक हैं तो फिर मैं आज यहाँ बैठ के कह रही हूँ इनको भी और मीडिया के सामने बात कर रही हूँ, आप जितने आपके करप्ट लोग हैं जिन जो नैब में मतलूब हैं, आपके वजीर आला पंजाब समेत उनके भी नैब के केसेस हैं, सबकी फाइलें नैब के पास हैं,
उनकी लिस्ट बनाए और उनको ओहदों से हटाए। मेरा ख्याल सीएम बुज़दार पे, सीएम बुज़दार साहब के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। जिस दिन उन्होंने ओथ लिया था उस दिन अखबारें आप पढ़े, देखें अखबारों का तमाम केसेस अखबारों में आपने नहीं, देखें मीडिया, देखें मैं अभी मीडिया में बैठी, मैं मीडिया की बात इस तरह मैं आपको बता रही हूँ। एक एक इंडस्ट्री होती है, वो 10 अरब की इंडस्ट्री है, उसको आप 40 अरब की इंडस्ट्री बना दें और उसके बाद उसमें अपने ही पैसा लगा के, जैसे नून लीग की गवर्नमेंट करती थी कि वो एक पहले इतना बड़ा एड खाली सफा पे आता था कि कल पता चलेगा इस पे क्या आना है, उसकी भी जेब का खर्चा जो हम आज आप महंगाई का जिक्र कर रहे हैं वो टैक्सेस हम दे रहे हैं। और उसके बाद अगले दिन जी वो एड आता था, लेटरिंग के एड पे छोटी सी तस्वीर होती थी, आप मुझे बता दें भी खान साहब ने खैमा वाली स्कीम शुरू की उसमें किसी या सीएम गुजार की तस्वीर हो या इमरान खान की पिक्चर, ऐसा नहीं है। कल से वो फर्क भी समझ नहीं आ रहे हैं, नहीं अखबार में इश्तेहार था और इसीलिए ठीक हो गया आपका पहला ये आप बात कर लें कि हम अखबारात में अपनी तशहीर नहीं करेंगे, वो तशहीर तो उसी तरह हो रही वो है। अवामुन्नास को देखें, अवामुन्नास को एक चीज को बताया जाता है, एक इन्फॉर्मेशन तो दूसरे है। क्या उसमें तस्वीरें लगाई जाती हैं? नहीं ऐसा नहीं है, दूसरे भी नहीं, वहाँ पे तो लेटरिन पे तस्वीर लगती थी, यहाँ मैट्रिक तस्वीर लगा जाती थी। थैंक यू वेरी मच फायजा, बहुत शुक्रिया जवेरिया। 100 डेज प्लान है जनाब तहरीक इंसाफ, अवाम ने वोट दिया है, एक्सपेक्टेशन हाई है और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी हो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, पब्लिक के हक में बेहतर हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी है, सबको एक फोरम पर आके पाकिस्तान के लिए सोचना है। थैंक यू वेरी मच, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और भी मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर।